करके चले हैं। इन शब्दों के साथ पूरी धरा को साथ दे तो और बात है, पूरी धरा को साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे। माने जो कहा है उन लोगों ने, उन्होंने तो संकल्प ले लिया और संकल्प पूरा कर रहे हैं। पूरी धरा को साथ दे। जो दूसरे रेंजर साहब हैं श्री विजय यादव जी, अभिनंदन करते हैं। हमारी एक प्रतीक के लिए सेलिब्रेट करेंगी माननीय जोशी जी। आपका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। रेंजर मैं डीएफओ साहब से निवेदन करूं, टीम के अन्य सदस्यों को इच्छित जी कृपया व्यवस्था करें सॉल्व की। हमारे चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के विधायक, राजेपुर के विधायक, हमारे अपने विधायक अत्यधिक आनंदित इसलिए हैं कि उनके क्षेत्र से गंगा जी पांचाल घाट की तरफ आई है। वो एक बुके लें और इसी देश से अब गंगा सागर तय करके मशाल लेके आए और यहाँ की जनता के दिलों में मशाल की लौ की तरह से गंगा को निर्मल और अवगत भाव के लिए प्रभावित करने के लिए एक संदेश दे गए हैं। इसके अलावा हमारे माननीय विधायक जी लोग भी, वो भी अभी आए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा इस जनपद से हमारे काफी सतुआम जी, अग्रवाल जी, बहुत सारे हमारे परिवार में जो उसके नाम हम नहीं जानते, लेकिन सभी लोगों ने भरपूर यहाँ पर टीम का स्वागत करने में सहयोग दिया। जो यहाँ पे आए का बहुमूल्य से निकाल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स आए, उन्होंने समय से यहाँ पर लंबे समय से प्रतीक्षा की, उनके साथ जो टीचर्स आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो मशाल यात्रा लेके आए हैं सर, इसका क्या मूल उद्देश्य है और कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी? देखिए, मशाल यात्रा 3 तारीख को दिल्ली से फ्लैग ऑफ हुई थी, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन इंडिया है उसके तहत। इसके लिए पहला पड़ाव हमने उत्तराखंड में लिया था, ऋषिकेश में। तो ये 5 स्टेट्स जहाँ जहाँ से गंगा बहती हुई जाती है, इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, हम इन पूरे 5 स्टेट में 23 जगह ऐसी हैं जो हमने एयरमार्क की हुई है, जहाँ पर हम लोग रुकेंगे, लोगों से बात करेंगे और जागृत करने की कोशिश करेंगे। और इसका कलमिनेशन जो होगा वो गंगा सागर में होगा, जहाँ पर कि गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसका जो हमारा उद्देश्य है बेसिकली लोगों के दिलों में जन जागरण को फिर से पैदा करना है, जन जागरण को फिर से बढ़ावा देना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जिसके दिल में गंगा की सफाई का भाव है, कुछ छुप गया है या जिसके दिल में नहीं है, उन दोनों के दिलों में हमें गंगा की सफाई के भाव को जागृत करना है। कि मशाल का उद्देश्य यही है कि जैसे मशाल की लौ जल रही है, उसी तरह से हम लोगों के दिलों में इसकी सफाई और इससे जुड़े हुए बाकी कार्यों के लिए जागरूकता पैदा कर सकें। सर, कितने लोग अपनी टीम में हैं और कौन कौन के माध्यम से इस यात्रा को तय किया जा रहा है? देखिए, हमारी टीम 2 भागों में है। एक टीम हमारी ऑलरेडी एक पड़ाव आगे पहुंच जाती है और दूसरी टीम मेन यात्रा के साथ यहां पे आती है। इसमें हम टोटल 22 लोग हैं। इसके अलावा बाकी जो आपने माध्यम पूछे, हम बेसिकली तो हम रोड के माध्यम से ही जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर रुक के हमारा काम है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम लोग मिल सकें, जितना उन लोगों के साथ बातचीत करके जागरूकता पैदा कर सकें, उतना ही हमारी इस यात्रा की सफलता के लिए बेहतर है। थैंक यू सर।